हेलो लेडीज, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अपनी बेस्ट पे ये लाल स्कार्फ क्यों बांधा है, तो रुकिए इसके बारे में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने, हमने, सबने ये वाला नारा तो बहुत बार सुना होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और कहीं ना कहीं इस नारे की वजह से लड़कियों के प्रति हमारे देश में एक पॉजिटिव माहौल बनाने में बहुत मदद मिली है। लेकिन आज भी हमारे घरों में मेंस्ट्रुअल पीरियड के टॉपिक पर बात करना सही नहीं समझा जाता है। हम अपनी बेटियों को पढ़ने का माहौल तो दे रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा माहौल नहीं दे पा रहे हैं जिससे अपनी मेंस्ट्रुअल या फिर पीरियड्स के बारे में हमसे खुल के बात कर सकें या फिर उसके बारे में वो बता सकें। तो ये कैसा वुमेन इम्प्रूवमेंट हुआ, इससे बड़ी हाइपोक्रेसी कोई हो भी नहीं सकती है। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल और दे देती हूँ। जैसे कि अब ये पावन महीना स्टार्ट हो चुका है नवरात्र का, इसमें हम 9 दिन देवी माँ की भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते हैं और कहीं ना कहीं ये लड़कियों को ही डेडिकेट किया जाता है। तो इस तरह हम वुमेन इम्पावर को ही डेडिकेट करते हैं। लेकिन अगर इन 9 दिनों के बीच में हमें पीरियड्स हो जाते हैं तो हमें फास्ट करने से, पूजा करने से मना कर दिया जाता है। हम लोग घर के बाहर तो वुमेन राइट्स, वुमेन पावर के बारे में बहुत सारा ज्ञान देते हैं, बट घर आते ही हम सारी चीज़ें भूल जाते हैं और पीरियड्स के बारे में हम बात करना सही नहीं समझते हैं या फिर हम खुल के बात नहीं कर पाते हैं, और घर आते ही पीरियड हमारे लिए एक टॉपिक बन जाता है। लोग वुमेन को सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर क्या आप लोगों को पता है कि आपके घर में आपकी माँ, बहन, बेटी पीरियड्स में किन किन चीज़ों को फेस करती हैं, जैसे कि पीरियड में होने वाले रैसेस, इचिंग, इन्फेक्शन और बहुत सारा पेन। ओ हाँ, आपको कैसे पता चलेगा ये सब बातों का, क्योंकि ये तो औरतों वाली प्रॉब्लम्स है ना। पर अगर चोट से लगने वाला ब्लड स्टेन नॉर्मल हो सकता है तो पीरियड से लगने वाला ब्लड स्टेन नॉर्मल क्यों नहीं, क्यों हमें एम्बेरेसमेंट फील करवाया जाता है। तो यही सोच बतलाती है कि आप भी हैं हाइपोक्राइट। लोग से नो टू डिस्क्रिमिनेशन, तो गर्ल्स के पीरियड भी नॉर्मल है ना, क्यों स्पेशल ट्रीट करवाया जाता है उन्हें। तो इसी सोच को बदलने के लिए एवरटीन ने लिया है इनिशिएटिव। बांधिए लाल कपड़ा फॉर पीरियड ब्लड अपनी कमर पर और करें एक फोटो और अपलोड करें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और टैग करें एवरटीन को विथ यूजिंग हैशटैग ब्लड हाइपोक्रेसी। सो लेट्स ब्रेक दिस ब्लड हाइपोक्रेसी एंड सपोर्ट दिस इंटीग्रेटिव विद ओपन आर्म्स। ताकि पीरियड्स में आपको कंफर्ट फील करवाने के लिए एवरटीन के नीम एंड सनफ्लावर के सैनिटरी पैड्स तो हैं ही हैं, जो आपको पीरियड से होने वाले रैसेस से प्रिवेंट करता है। कंफर्ट फील करवाने के लिए एवरटीन के नीम एंड सनफ्लावर के सैनिटरी पैड्स तो हैं ही हैं, जो आपको पीरियड से होने वाले रैसेस से प्रिवेंट करता है विद एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फ्रंकल प्रॉपर्टीज से। सो व्हाट्स आर यू वेटिंग फॉर, और अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। ब्लडी हिपोक्रेसी एन इनिशिएटिव टुवर्ड्स एलिमिनेटिंग पीरियड हिपोक्रेसी, क्योंकि अगर चोट का ब्लड नॉर्मल है तो मेंस्ट्रुअल पीरियड के ब्लड पर चुप्पी क्यों। शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली फ्रेंड्स और ऑन सोशल मीडिया, यूज हैशटैग ब्लडी हिपोक्रेसी और टैग एवरटीन।